सुंदर कीर्तन कौन कर रहा है? देखा है एक तोता। अरे वाह, उसने तोते को बुलाया। वो तोता उड़ते हुए कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बताओ अभी तो क्या बोल रहा था? फिर तोता ने एकदम राधा रानी गले की आवाज जैसे चार लाइन के श्लोक बोले। बोले बाबा एक ही तोता होकर के श्लोक बोलता है और राधा रानी की गले की आवाज जैसे उनने के सुनने की पिक्चर बनवा दी जरा और तोते को रख लिए। इतने में राधा रानी बड़ी दुखी एक सखी के बोले देखो तो हमारे तोता कहाँ चली गई। और ढूंढते ढूंढते देखा कृष्णा हाथ में बैठा करके बड़ी उसको प्यार कर रहे हैं, लाल लड़ा रही है, आना रही ताना खिला रही है और उनको उसकी राधा जी के नाम बुलवा रही थी। बोले कन्हैया ये हमारे किशोर जी की तोता, ये हमारे किशोर जी की पालता तोता। बोले अगर तुम्हारे किशोर जी की पालता तोता हो तो तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उठते हुए अगर तेरे हाथ में चले गए फिर तो मैं समझूंगा भैया तोता तेरा घर तोते बोले जाना। बोले कन्हैया तेरा नाम ही कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या है? क्री मतलब होता है आकर्षण करना, खींचना। अर्चना मतलब आनंद देना, जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ आकर्षण करते हैं और सबको जो आनंद देते हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण है। पर ऐसे कौन प्राणी है जो एक बार तेरे हाथ में बैठ जाए और तू उसको बड़े प्यार से उसको लाड़ लड़ाओ और उसको आना रे की दाना खिलाओ कर तेरे कोई छोड़ सकता है? बोले भैया कहते तोता मेरा है तुम जाओ। उसने मैया यशोदा के पास में गई। बोले भैया हमारे ईश्वर जी की तोता उड़ते हुए आ गया, कन्हैया ने पकड़ लिया, देना नहीं चाहते ही। बोले कोई चिंता मत कर, जब ये गैया चराने जाएगा ना मैं पीछे पीछे कर भेज दूंगा। कृष्ण जब गैया चराने जाए कृष्ण बोले ये तोता मेरे साथ में ले चलो। मैया बोले क्या पागल हो गया, इतने धूप में घूमते रहोगे ये तोता मर जाएगा बेटा, घर में छोड़ करके जा। बोले मैया ये जो गोपियाँ हैं ना बड़ा चतुर है, ये पीछे मेरे तोते को ले जाएगी। मैया ये जो तोता है ना राधा रानी की गले की आवाज जैसे बात करता है और श्लोक बोलता है ये तोता। बोले लाला कोई चिंता मत करो पीछे में रहने वाली करूँ। कृष्ण जब गैया चराने के लिए गए फिर मैया जसोदा तोते को पीछे से राधा रानी को पास में भेज दी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया यहाँ पर 18,000 ऋषि लोग थे लेकिन कथा किसे सुने? बोले सुखदेव से। बोले क्यों? बोले ये सुखदेव कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी की प्रिय तोता है। और ये कहाँ रहता था? बोले राधा रानी के निकुंज मंदिर में। कभी कभी राधा रानी ये तोता को कृष्ण रूप मान करके उनको चुंबन करती थी। जब चुनती थी राधा जी की जो अधरा वृत ये तोता के ठोंट में लगा हुआ। इसलिए आप राधा शब्द को उल्टा दो बताओ तो क्या होगा? जोर से बोला और जोर से। हाँ ये राधा रानी देवी ये कौन है? बोले कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले वैदग्ध सिंधु रसमूर्ति कृपायुक्त सिंधु वात्सल सिंधु रति सांद्र कृपायुक्त सिंधु श्री राधिके स्फुर हृदकेली सिंधु। राधा रानी को ये कहते हैं जैसे सात समुद्र है, इकु समुद्र लवण समुद्र मधु समुद्र है, ये सात समुद्र है। बोले राधा रानी के अंदर में ये सारे समुद्र विद्यमान, ये रस की सिंधु प्रेम की सिंधु वात्सल्य की सिंधु कृपा की सिंधु है, सारे समुद्र श्री राधा रानी के अंदर में। इसलिए आप वृंदावन में जाना देखना कोई कृष्ण कृष्ण ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से और जोर से और जोर से। वृंदावन में सबके सब श्री ईश्वर जी का नाम लेते हैं, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते। बोले क्यों? बोले करुणा गुरुमयी करुणा भरी राधा रानी माँ, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु श्री राधा रानी। जब तक राधा की कृपा नहीं होना तब तक कन्या नहीं बनते हैं।
कृष्ण कहते ना राधे राधे और तो चले आएंगे आएंगे। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री ये राधा रानी की अधरा अमृत को तोता की चोंच लगा हुआ, इसलिए राधा रानी का प्रेम समुद्र और भक्ति समुद्र है। इसलिए वहाँ पर 88,000 ऋषियों के बीच में कथा सुनी थी श्री सुखदेव गोस्वामी से ही उन्होंने कथा सुनी है। तब श्री परीक्षित महाराज ने इनकी प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि सब सिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य जत् कर्तव्य प्रियमानस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके ये बताओ अतः पृच्छामि सब सिद्धि, यदि इसी जगत में देखना भले किसी को जितने पैसा मिल जाए, कोई अब तृप्त हुए हैं अरब खरब रुपया, जैसे अंबानी अभी भारत का सबसे बड़ा पैसा वाला, उसको पूछो तेरे पास में इतना पैसा तो तृप्त हो गया, वो सोचता होगा जैसे पृथ्वी का सारे पैसा वाला में एक नंबर के शांति चाहे। इसलिए बोले राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी और इंद्र कहे चतुरान को सुख चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख। इसलिए इनका प्रश्न ही जगत में से कौन सा वस्तु हो जिसको पाने का बाद आपको ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिले, जीवन में हमें किसी चीज की कमी नहीं, वो क्या चीज है? केवल प्रभु का भक्ति। इसलिए जब ध्रुव जी को हम आगे सुनेंगे, जब ध्रुव जी को प्रभु दर्शन दे दिए, बोले ध्रुव मैं ऐसे एक देवता हूँ, मेरे को तुम जो कुछ मांगो ना मैं सब दे सकता हूँ, लेकिन आप दूसरे दूसरे देवता को मांगो कोई चीज लिमिटेड से ज्यादा नहीं दे सकते, तो दे ही नहीं सकते। लेकिन कि मैं ऐसे एक देवता हूँ, मेरे पास में ऐसे कोई वस्तु नहीं जो मांगने पर मैं नहीं दे सकता हूँ, जी भर करके मांग लो। ध्रुव क्या कहते हैं, बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था, बोले स्थानाभिलाषी तपस स्थित, पहले तो मैं राज्य लोग से तुम्हें भजन करने के लिए आया हूँ। अगर कोई कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर उस पर धीरे जवाहरा तो मिल जाए, जगत में इसे कौन सा बेवकूफ होगा जो कि धीरे जवाहरा को छोड़कर कांच के टुकड़े ग्रहण करेगा। हे प्रभु, आपका जो चरण कमल है ना, ब्रह्मा शंकर नारद ये भी दुर्लभ है, आपके चरण के दर्शन मिल गई, भक्ति मिल गई, तृप्त हो गया, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बोले भैया कुछ तो मांगो, नहीं तो दुनिया हमें क्या बोलेंगे, बोले भगवान की भजन क्या कुछ दिया ही नहीं। बोले अब तो गे, बोले बताओ, बोले हमें संतों की संग दे दो, इसलिए हमें संतों की सत्संग हमें दे दो। बोले भैया जब तुम मेरे को ही मिल प्राप्त हो गया, जब तुमने मेरे को ही पा लिया, अपनी सत्संग क्यों चाहते हो? बोले प्रभु जी आप तो आपकी कथा नहीं सुना होगा, तुम्हारी कथा तो हमें संत ही सुनाएंगे। अगर आपकी कथा रूपी मंदा रूपी नदी में अगर मैं गोता लगाते रहूंगा ना, फिर ये मन अपने आप तुम्हारे चरण में लगा देगा। इसलिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल हमें तुम्हारी भक्तों की संतों की संग दे दो और आपकी भक्ति देखने में तृप्त हो गया। इसलिए इनका पहला प्रश्न है जगत में से क्या वस्तु है कि जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिले, जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो गई। प्रभु क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, आप कृपा करके सारे प्रश्न का उत्तर दो। इसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बलिया सत्य प्रश्न तुमने जो प्रश्न की बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, ये प्रश्न को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और जो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति भी तेरे प्रश्न को सराहना करें। देखो ये जो मानव शरीर हमें भगवान दिया है, ये बड़ा दुर्लभ जीवन है जिसको भगवान कहते हैं। बोले बड़े भाग मानो सर
एक दिन बाद में देखा जहाँ साधारण जगह पर जो प्रेम रखा था खुद अवध हुआ है और जहाँ हरे कृष्ण नाम चल रहा था तीन गुंडा का हुआ है और जहाँ पर ये उल्टा पुलटा रख म्यूजिक चल रही थी वो अंकुर ही नहीं था। भले भैया सचमुच से ठाकुर का नाम ही बढ़ा है, इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी। अगर अपना घर में कोई ज्यादा दुख बैठते हैं आप इधर उधर मत भरा करो, कहीं भी इधर उधर बैठने का जरूरत नहीं है। अपना घर में पूरा परिवार बैठकर बैठे बैठ करके अगर मृदंग बज रहा है अच्छी बात है, अगर कुछ भी नहीं होगा ना आप थोड़ी सी ताली बजा करोगे बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे नाम जब करती है आठ हाथ में ना आठ हाथ में एक हाथ माला है
सरस्वती की चार हाथ देख लो, एक हाथ में माला है। ब्रह्मा जी की चार हाथ और एक हाथ में माला है। इसलिए भजन है ना, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई चुराला, राम नाम की माला सेवा करते हो,
अभी तक तुम्हारे घर में खुश हुए सास खुश हुए ना ससुर खुश हुए ना नंद खुश हुए तुम्हारी फसल खुश हुए कौन खुश हुए तुम्हारे घर अभी तक कुछ खुश कर पाए लेकिन एक मुरली वाला को खुश कर सारी दुनिया खुश है बस उसका सुख तो देखो उनके कहते हैं नहीं अगर प्याज खाएंगे तो प्याज नहीं खाएंगे सास क्या बोलेगी ससुर क्या बोलेगी फिर जब शादी में जाते हैं फिर वहाँ क्या खाएंगे इसका मतलब है सर दुनिया क्या बोले उसके ऊपर नजर है लेकिन ठाकुर जी क्या बोले इसके नजर नहीं ये दुनिया क्या बोलेगा उसको सुख में सुखी कर रहे हो लेकिन ठाकुर जी क्या बोले उसमें भी नजर नहीं इसलिए भैया भगवान किसमें खुश वो खुश हो देखो दुनिया की खुश करके कुछ भी तुम्हें मिलना नहीं बदनामी बदनामी मिलेगा लेकिन एक मुरली वाला को खुश कर लो वहां सब कुछ खुश हो ठीक है ना श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो जीवन है ये देवताओं के लिए भी जीवन दुर्लभ है ये मानव शरीर नहीं पर साधन धाम और मोक्ष करे द्वारा ये साधन की शरीर है ये मुक्ति के दरवाजा पर तुम खड़े हो ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते ये मुक्ति के दरवाजा में तुम खड़े हो अगर ये मुक्ति के दरवाजा में खड़े हो करके फिर अगर मुक्ति का मार्ग नहीं देखा फिर भगवान के भजन नहीं किया फिर वही 84 लाख जीवन में फिर तुमको जाना पड़ेगा इसलिए जीवन रहते रहते क्या करो भगवान की भजन भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो भगवान की और कहना कल कर सो और आज कर सो इसलिए पल 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 में पढ़ाई होगी बहुत ही जरूरत का इसलिए कोई अच्छा काम हो ना उसके लिए एकदम देरी मत करो उसको फटाफट करान करो अगर कोई गंदा चीज हो उसको टालते रहो क्यों डर जाएंगे डर सकती है लेकिन कोई बढ़िया चीज हो तो उसके लिए देर नहीं करनी लेकिन हमने क्या ले लिया जानते हो कि आज कर सो कल करो और कल कर सो परसों अरे जल्दी जल्दी क्या कर दो पड़ा रहा है परसों इतने जल्दी भजन करने का क्या जरूरत है अभी तो परसों पड़ा हुआ है इतने क्या जरूरत अभी से भजन करने का देखो रामायण में कथा की है जब भगवान राम रावण को बाण मारी उसी समय में रावण अभी धराशायी अभी प्राण त्याग देने वाले लक्ष्मण ने श्री प्रभु राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण कि जो रावण है ना ये बहुत बड़े विद्वान है जाओ उससे अंतिम उपदेश लेकर के आओ लक्ष्मण गया बोले भैया ने भेजा आपसे कुछ अंतिम उपदेश लेने के लिए आप लोग ध्यान दे रहे हो अंतिम उपदेश दो रावण ने कहा लक्ष्मण मेरे से दो गलती हो गई तुम कभी ये दो गलती नहीं करना बोले क्या दो गलती हो गई बोले पहला गलती ये हुई मैं सोच रहा था पूरा लबण समुद्र को मीठा बनाना देखना पृथ्वी में एक भाग का स्थल और तीन भाग जल लेकिन तीन भाग तो जल है लेकिन देखना वो पानी इसका प्यास नहीं बुझा सकता इतने नमकीन है मेरे लिए समुद्र पानी को मीठा करना कोई बड़ी भारी बात नहीं थी कर सकता था मैं इसका कर ही लूंगा दूसरी सारा दुनिया स्वर्ग जाना चाहते हैं मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूं सब अगर स्वर्ग चले जाए मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं थी बोले करूंगा क्यों इतना जल्दी है अगर ये दो काम करता ना मैं अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता बोले क्यों जो समुद्र पानी पीता बोलता भैया पानी को किसी ने मीठा बनाया बोले रावण जो अगर स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना देता बोले बोलते भैया सीढ़ी बनाया किसने बोले रावण इनकी आशीर्वाद से ना मैं तो अपने आप स्वर्ग चल जाता लेकिन ये दो काम कर गलती हो गई तो कभी भी ये गलती नहीं करना जो बढ़िया काम है ना उसको जल्दी करना और जो गंदा काम उसको टालते रहना बोले भैया जगत में सबसे बढ़िया काम क्या है बोले भगवान की भजन ये जीवन क्यों मिला गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को वो प्रणाम लगी कपास भगवान की भजन के लिए आए थे उल्टा काम में हमने उल्टा काम में लग पड़े हैं इसलिए दूसरे दूसरे जीवन में खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना मतलब कौन सा
कुत्ते गधे सुअर ये सब काम नहीं करते। सुअर को देखो 15-15, 20-20 बच्चा तेरे को देगा, महीना में बड़ा कर दिया। हमने 2-4 बच्चे अगर बड़ा कर दिया तो कौन सा परिवार की बात क्या। ये सारे काम दूसरे दूसरे जीवन में होता है, लेकिन भगवान भजन किस जीवन में नहीं होता है। इसलिए भैया जीवन रहते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जितने जल्दी जल्दी होना क्या करो, भगवान की भजन में लग पड़ो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 इंसान नहीं हुए, पूंछ कटते 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 खत्म हो गया।
जब पूछ करते 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 हम सब बीच का भाव में नहीं गए ना, जब कटा तभी तो मुझे नहीं जाए ना, और था वो सब कहाँ है। इसलिए ये डार्विन थियोरी है, ये डार्विन थियोरी है, लेकिन हमारी ऋषि मुनियों का थियोरी है नहीं। बंदर हाँ पूछ करते करते इंसान हो गए, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे भागवत क्या, हमारे रामायण क्या कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का अंश। हमारा गीता क्या कहता है, अरे ममई मांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है बच्चे हैं, इसलिए कहते ना तुम्हें वो माता च बोलो, तुम्हें वो माता च, तुम्हें वो विद्या, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड, तुम्हें वो सर्वम एव तलो। कृष्ण गीता में बोल देते हैं पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता, हे अर्जुन विश्व ब्रह्मांड का पिता माता मैं हूँ। आप लोग मुसलमान का ग्रंथ पढ़ लो, क्रिश्चियन का बाइबल, क्रिश्चियन का बाइबल पढ़ो, बाइबल में कहता है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान अपना जैसे उन्होंने इंसान बनाया। कुरान में कहता है अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। इसलिए भैया हम बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए, हम भगवान से हुए। इसलिए आप देखो भगवान की कोई तस्वीर देखो, राम का कृष्ण का तस्वीर देखो, और अपना चेहरा के साथ में मिलाना मिलेगा कि नहीं, अपना चेहरा बंदर को ला कर मिलेगा, उसका आँख को साथ मिलेगा ना, हाथ से प्यार से, किससे भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए हैं, हम सबके सब श्री ठाकुर जी से हुए हैं, भगवान से हुए हैं। देखना हम सबका अलग अलग गोत्र है, ये गोत्र फिर कहाँ से आए, हम लोगों ने जिस ऋषि मुनिया का परंपरा में आए हाँ वही ऋषि हमारी गोत्र है। सबको पूछो इसका सांदिल्य गोत्र, किसी का वैशिष्ट गोत्र, किसका क्या गोत्र है तुम्हारे है, तुम्हारी गोत्र क्या है, तुम्हारी गोत्र क्या है, देखना सभी का गोत्र अलग, किसे गोत्र आया कहाँ से। हम जिस ऋषि मुनियों का परंपरा में आए ना वहीं से हमारे गोत्र सृष्टि हुई है। इसलिए हम भगवान की बच्चे हैं, इसलिए उनकी चार तीन बेटी और दो बेटे हुए हैं। तीन बेटी में एक बेटी की कथा आती है देवहूति, यहाँ पर माता देवहूति की कथा आती है। कहते माता देवहूति जब ये तीन जो बहन थी इतने सुंदर थी, जब ये आंगन में खेलती थी ना इनकी सुंदरता देखकर देवता लोग की बहुत सुंदर, इतने सुंदर ये तीन बेटियाँ थी। अभी कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की, भगवान दर्शन दिए, भगवान के आंखों से आंसू निकलकर बिंदु सरोवर हुआ, भगवान बोले वर मांगो, बोले आपकी भक्ति में बोले तथा सुन, बोले और मांगो, बोले प्रभु जी मेरी मन में तो कोई इच्छा नहीं भर गृहस्थ की, लेकिन आपकी इच्छा संसार का क्रम बढ़े, शादी करूँगा लेकिन दो शर्त है, बोले बोलो क्या शर्त, बोले पहला शर्त है आप अगर मेरे बेटे बन कर आओगे तो मैं शादी करूँगा, आओगे, बोले आप बनाओ, बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक रहूँगा जब तक संतान नहीं हो, फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊँ, बोले कोई बात नहीं। फिर उन्होंने माता देवहूति को साथ में शादी हुई, शादी हुई तो शादी करके फिर भजन में बैठ गए। अभी माता देवहूति पति की सेवा करते करते उन्हें 10,000 साल तपस्या में बैठे, और माता देवहूति पति की सेवा करते रही। अभी जब उनके आँख खुली ना उन्होंने ये भी भूल गए थे बोले शादी क्या, देखा सामने की डोकरी बैठी, बोले भैया तू कौन हो, बोले आपको याद है कभी शादी किया था, तुम देवहूति इतने सुंदर थी, अभी उसकी केस में जगह जुट हो गई, पति खाना नहीं खा रहे हैं, वो भी खाना नहीं खा रही हैं, पति श्रृंगार नहीं करते हैं, ये भी श्रृंगार नहीं करती, अभी पति की सेवा करते 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 तुम बूढ़ी हो गई, हाँ बूढ़ी हो गई, जब बूढ़ी हो गई बोले बताओ तुमको क्या क्या चाहिए, बोले बताओ आपने शादी क्यों किया था, बोला था ना ठाकुर अगर बैठे बैठे क्या हो शादी करोगे, बोले हाँ, बोले संतानी भगवान नहीं हुए, बोले जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो, स्नान किया तो पहले जितनी सुंदरी थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बनकर निकली, क्यों पति सेवा की ना, पति सेवा की ये फल है, पति सेवा की ये फल है, पति बता धर्म की, अभी उससे भी ज्यादा सुंदरी बनकर 1,000 दास दासी,
और उन्होंने एक विमान प्रकट किया जिसका नाम था कामरू विमान। देखो पहले जो साइंस के ये जितने अंग्रेजी लोग हैं ना, हमारे जितने वेद पुराण को उन्होंने चोरी कर लिए और चोरी करके लिए पढ़े, जैसे रावण का समय में इसमें पुष्प विमान सीता को उठा कर ले गए थे ना, है इसलिए ये तांबा के विमान, इसमें डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे वैसे उड़ेगा, जिसमें बैठोगे ना कोई बूढ़ा और कोई बूढ़ी नहीं बनेगा। और उसमें तालाब सुंदर सरोवर है, चार तरह का कमल खिले हुए, सुंदर पेड़ पौधा जूही बेली चमेली सुंदर पुष्प से सुसज्जित है, बड़े सुंदर फल फूल हैं, अद्भुत उन्होंने विमान प्रकट की जो अपने आप आकाश में उड़ेगा। कहीं ये एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जैसे चाहोगे आकाश में वैसे उड़ेगा। आकाश में दोनों उड़ते रहे, बड़ी प्यारी प्यारी नाव पर बैठी हुई। बोले देवती अभी तो खुश होगी ना, तब बेटी होगी। बोले नहीं, बेटियां तो शादी करके अपना ससुर घर चल जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा। फिर उन्होंने पति की सेवा की तो भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि रूप में भगवान आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। श्री राधे। लेकिन उन्होंने भगवान से क्या बोले थे, तब तक संसार में रहूंगा जब तक बच्चा जन्म नहीं हो, अभी उनको संन्यास लेनी चाहिए। लेकिन घर में बेटियां आई, पिता का पहला कर्तव्य है घर में अगर बेटी हो ना, सबसे पहले बेटी को शादी दे, ये पिता का पहला कर्तव्य है। इसलिए आप लोगों ने बेटियों को शादी दी होगी, इतना घर में अगर एक बेटी को शादी दो ना, घर खाली हो जाता है। एक अब गुजर समाज में तो बाबर दो दो गाड़ी, तीन तीन गाड़ी, कितने सोना चांदी, करोड़ों करोड़ रुपया गुजर समाज में करोड़ों करोड़ रुपया लगा देते शादी में, है इसलिए कि इनके घर में कितना बेटी, नौ नौ बेटी। आप बताओ कितने नौ बेटियों की शादी करना कितना कठिन। हाँ देखो यहाँ की शिक्षा देते हैं, अगर आप प्रभु की भजन कर रहे हो, कितना करते हो तो कन्हैया तेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर तुम सचमुच से भक्ति करोगे ना, जैसे भगवान नरसिंह भक्त, जैसे नरसिंह भक्त की बेटी थी, लेकिन ये तीन भक्त प्रभु का भजन करता बेटी वो शादी पर करेगी। कृष्ण स्वयं सांवरिया सेठ बन करके शादी कराने जाते भगवान स्वयं, इसलिए जब भजन करता है भजन करना चाहते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी नौ बेटे को लेकर जाए, नौ बेटे और इनके पास में नौ बेटी। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले सुबह सिद्ध सुबह काफी जल जल कर दो, एक साथ में नौ नौ बेटियों की शादी और घर पूरा खाली। अभी घर में तीन व्यक्ति, अभी श्री कर्तव्य ऋषि अभी भजन करने के लिए चले गए। जब चले गए यहाँ पर प्रश्न करते हैं, बोले भैया भजन किसको करने जा रहे हो। बोले भगवान को। बोले भगवान तो तेरे घर में है। हाँ ये चीज को समझो, अभी भगवान तेरे घर में कपिल मुनि रूप में बैठे हुए, फिर तो भजन करने के लिए, फिर भगवान को घर में ठाकुर है, तुम मेरे बाहर जा रहे हो भजन करने के लिए क्यों, ये चीज को समझो। देखो जब तक साधन नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, बैठ बैठ कर भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए साधन करना पड़ेगा। साधन के बगैर अगर प्रभु में मिली जाएंगे ना कोई लाभ नहीं। जैसे रावण राम को देखा लेकिन क्या किया, सीता को भी देखा सीता को उठा कर लेंगे, राम को देखा क्या किया राम के साथ लड़ाई, मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को देखा उसने क्या किया नाग पास बंधन में बांध दिया, फिर लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति शैल की प्रहार की, शिशुपाल कृष्ण को भी देखा कृष्ण सामने खड़े हुए, 101 गाली मिला एक व्यक्ति को, गाली ना 8-10 लोगों तक गाली नहीं मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी खड़े 101 गाली निकाले। बोले भैया कृष्ण तो सामने खड़े हैं तो उसका हृदय क्यों परिवर्तन नहीं हुआ कृष्ण को देख करके। यहाँ शिक्षा देते हैं जब तक तुम साधन नहीं करोगे भक्ति नहीं करोगे, अगर तुम्हें भगवान के दर्शन भी हो जाए ना तुम्हारी कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या करनी चाहिए साधन करनी चाहिए। और कलयुग में भगवान बोले ज्यादा कोई परिश्रम तुम्हें करने का जरूरत नहीं, करनी हुई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। भगवान कलयुग में तो सबसे सरल उपाय बता दिया, क्या करो भगवान की नाम जप करो, क्या करो ठाकुर जी की नाम जप करो। एक बार हाथ उठा कर बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
जब टैक्स में लेना है
गुरु जी के Krishna, Krishna, Krishna.
जो कीर्तन किया ना, जिन्होंने शरीर छोड़ा है वो कहीं भी हुए नहीं। आप कितने सारे भक्त का नाम कर रहे हैं कि भगवान का नाम शब्द ब्रह्म है, ज्यादा वस्तु नहीं, कहीं भी हो इसकी उद्देश्य में अगर प्रभु का नाम करो। जैसे धोनी का था, ये भागवत कथा सुना तो क्या हुआ, वैकुंठ से विमान आया, सीधा ठाकुर के पास में चले गए। पिछले जिन्हें भी उद्देश्य में आप नाम कर रहे हैं वो कहीं भी होंगे ना, उनका आत्मा को शांति मिलेगी। बोले देखो मेरे उद्देश्य में इतने सारे लोग प्रभु के नाम कीर्तन कर रहे हैं, वो बड़े खुश होते होंगे, हाँ बड़े खुश होते होंगे। उनको सौभाग्य मानो भागवत कथा में मैंने अपना शरीर को बीच में छोड़े, सौभाग्यवान सब लोग, दुर्भाग्य नहीं बड़े सौभाग्यवान। ठीक है, बस वृंदावन बिहारी की जय। ओम ज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगीवृद्धिमास्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चलेद्राघिमा वक्षो जयगरिमा तथेव तनिमा मध्ये गतुर्वन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भूकुटिलिमा बिम्बाधरिषूणिमा श्रीराधेरिति ते रसेन जडिमा ध्याने प्रहलाद नारद पराशर कुंडलीक व्यासांवरीश शुक शौनक भीष्म दारभ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यं महाभागवतां नमामि। हरे कृष्णा, मैं सबसे पहले अपने दीक्षा गुरु पार्वत पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम कुलदेव तित्तलीला वरिष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोत्र बंधु जिनके हृदय में श्री राधा रानी संत श्रीमद गोविंद तुरंग ललित होकर के अपनी ही कथा को का आस्वादन करते हैं, ऐसे समस्त श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि गोविंद शब्द में जो वी है उसका अर्थ संस्कृत में है वृद्धि लाभ है, जिसको अपनी ही कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है उसका अर्थ है श्री गोविंद। और तो गोविंद के बहुत सारे अर्थ वही है। अभी महाराज जी कपिलोपाख्यान तक पहुंचे हैं, माता देवभूति और भगवान कपिल दोनों एक दूसरे के समक्ष बैठे हैं। यद्यपि माता बड़ी हैं तो भी वे हाथ जोड़, क्योंकि वे उनको विदित हैं कि मैं कौन हूँ, उनको विदित है कि जो सामने बैठे हैं वो कौन है। देखो हमारा वास्तविक इंट्रोडक्शन क्या है, हमारा वास्तविक परिचय क्या है कि हम कौन है, हम कौन है यही हमारा वास्तविक परिचय है। रावण के भरे दरबार में जब श्री हनुमान जी पहुंच रहे हैं तो रावण ने पहला प्रश्न किया, कहते कबीर, ये पूछा रावण ने, हे बानर तू कौन है। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, भैया हम कौन है, क्या मैं कहूँ अंजनानंदन हूँ मैं, ये भी टेम्परेरी, क्या मैं कहूँ पवन सुत हूँ, ये भी टेम्परेरी। उसके बाद वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी ने हनुमान जी को पहले ही चूड़ामणि दे दी थी, तो जैसे ही उन्होंने सीता जी का ध्यान किया तो एक चूड़ामणि की एक मणि में साक्षात सीता जी ने प्रकट होकर तो उनको बोध कराया, प्रबोध प्रदान किया। तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर भी कहा, हे पौरुष सकलोद्भव ब्राह्मण, हे दशानन जानता है मैं कौन हूँ, दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं भगवान श्री राम का जो कौशल्यानंदन वरधन है उनके चरणों का दास हूँ। और दिस इज व्हाट आवर परमानेंट इंट्रोडक्शन इज, ये हमारा परमानेंट इंट्रोडक्शन है कि हम कौन है। जिमे होय कृष्णेन नित्य दास, ये जीव भगवान का नित्य नित्य दास है। माता कपिलभूति ने पहला प्रश्न किया कि भगवान
बताई है कि व्यक्ति बार बार नर्क जाता है बुरे कर्म करके, बार बार स्वर्ग जाता है अच्छे कर्म करके, उसके बाद स्वर्ग के पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर वापस से इस मृत्युलोक में आ जाता है। ये जाने आने का चक्कर कैसे छूटे? तो भगवान कपिल ने कहा, देखो मलिया, सबसे छोटा उपाय यदि मैं बताऊं तो जो कुछ भी करते जाए उसको श्री कृष्ण को, श्री गोविंद को, या मुझे, क्योंकि भगवान कपिल साक्षात भगवान है, मुझे समर्पित करते जाओ। कुरुवन दुःख
लिया। कैसे? देखो गृहस्थ जीवन में जैसे ही हो, एक बार हमारे श्री महाराज जी के पास एक व्यक्ति गया और व्यक्ति का, अरे महाराज क्या करूं, गृहस्थ में फंस गया, ना भजन हो पाता है, ना अर्चन, ना वंदन, कुछ भी नहीं हो पाता है। और हाँ, ऐसे ऐसे 30 मार खान है कि आश्रमों में और मठ में कब आएंगे, 65 साल की उम्र के बाद जब ठोकर मार देगा परिवार तब आएंगे, क्योंकि भजन तो किया नहीं। सुमिरो न हरि नाम जब थी आयु उत्तम, पहले भजन किया नहीं, आए मठ में या आश्रम में आए 65 साल के बाद, 65-60 साल जब धक्के देकर के निकाल दिया, ये कपिल भगवान कह रहे हैं, धक्के देकर निकाल दिया तो आए, अरे महाराज असार संसार है, ये दुख का बड़ा ही, ये दुख का आ रहे हैं, अब तो हम भजन करेंगे, अब तो आएंगे। महाराज जी बोले 65 साल की उम्र में अब आ रहे हो मठ में, अब आ रहे हो आश्रम में, अरे अब ना सेवा कर पाओगे, ना शरीर रहा, जब सेवा धर्म था तब तो नहीं आए, तब तो ग्रस्त का आनंद लिया, और अब साधुओं की सेवा करोगे कि साधु की, साधुओं से सेवा कराओगे, जाओ चले जाओ वापस, उनको भेज देते। और सही बात है, पहले तो आनंद लिया, अरे जब सर मूसल में दे ही दिया, मूसल मुंह में दियो सर तो उखल काहे गिना, जब मूसल में सर दे दिया तो उखल, उखल में सर दे दिया तो मूसल टिके ही जाए, टिकते ही रहे, फिर मूसल क्यों टिकना, अब तो आनंद लो कृष्ण का, ये कृष्ण भजन के बिना। इसीलिए ये जीव फिर उसके बाद वो गृहस्थ में पड़ता 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 उसके बाद उसका अंत समय आ जाता है, शैया पर पड़ा हुआ है, घर वाले आस पास है, शैया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, एक मैया, सच्ची बात है, मैया लेट रही और मैया बिल्कुल बूढ़ी आखिरी में, और धीरे से बच्चे पास में, बच्चे बोले मैया बता दे कुछ, कहीं कुछ रख रखा हो तो बता दे, जल्दी बता दे। वो धीरे धीरे से बोली मैया बेटा, तो एक बार उसको सुनाई नहीं दिया, वो कान पास में किया उस मैया के, बोले बता मैया क्या क्या कहना चाह रही है। उसने कहा अरे अब तो जाने का समय हो गया, एक नींबू का अचार तो खिला दे, एक नींबू का, अरे हफ्ते एक सारी ऊपर नींबू के अचार में बिता दिया, और आखिरी में भी नींबू का अचार था। बच्चे कहते हैं माँ माँ देख इसको पहचानती है, ये तेरा, ये तेरी बेटी का बेटा है, तेरा नाती पोता, देख देख देख, सारी उम्र उनको देख। इसीलिए कबीर जी ने कहा मरनो भलो विदेश में, मरनो भलो विदेश में, जहां ना बनो कोई, विदेश में मरना भला है। अरे हमारा कब ऐसा सौभाग्य आएगा कि श्री राम वृंदावन में, श्री अवध में, श्री नवद्वीप धाम में हमारी मृत्यु, हमारा घर संसार चुके और संत आस पास उत्तम गति से भगवान का कीर्तन कर रहे, नाम स्मरण कर रहे, जिससे वो नर्क में जाता है। 28 प्रकार के नर्कों का
नरकों का वर्णन है, लेकिन भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। वो जाता है, जाकर के बहुत भोगता है। देखो कुछ लोग कहते हैं नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, यहाँ पे नरक है यहाँ पे स्वर्ग है। अत्रैव नरका स्वर्ग, अत्रैव नरका स्वर्ग न शमशति नश्वतः। भगवान पर इसका निषेध कर रहे हैं, नर्क वहां ऊपर, नर्क और स्वर्ग दोनों की व्यवस्था आप लोगों के लिए हमारे लिए है, चिंता की बात नहीं है। नर्क की और स्वर्ग की दोनों की व्यवस्था ऐसा समझो कि थोक पुण्य पाप तो हम लोग स्वर्ग में भोगाते हैं, लेकिन जो बचे कुछ पाप पुण्य है ना वो हम पृथ्वी पर भोगते हैं। जिसके कारण लोग कहते हैं ना, अरे यार यही भोग रहे हैं, अरे यही स्वर्ग है, यही नर्क, ऐसा नहीं है। भगवान उसका निषेध कर रहे हैं। उसके बाद वो जाता है, जाने के बाद फिर उसके बाद वो माता के उसी गर्भ में आता है। देखो इसका भी एक साइंस है, जब वो किसी अंग के ऊपर गिरता है जी, तो जब माता उस अंग की है तब जाकर के वो, जब पिता उस अंग को खाता है तब जाकर के वो शुक्र का रूप धारण कर लेता है। शुक्र जाकर के माता के गर्भ में, जब माता माता और पिता का जब योग होता है तब वो शुक्र जाता है, तब जाकर के वो रजोवीर में से जाइबोट बनता है। बनने के बाद वो जब रहता है तो लिखा हुआ है भागवत जी में, पंच दिवस कललम भवति, पांच दिवस में वो कलल बन जाता है, दस दिन में वो भीर जैसा खट्टा खाती है, तीखा खाती है, उसको पीड़ा होती है, ऐसा ही नहीं है। एक तरफ मल की थैली है, एक तरफ मूत्र की थैली है, वो बीच में नीचे सर पट करके और ऊपर पैर करके वो जीव पड़ा रह रहा है, उसको इतनी गर्भ में पीड़ा होती है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वो फिर भगवान को, फिर उसको याद आता है पुनर्जन्म का, फिर वो दोनों हाथ जोड़ कर श्री भगवान की स्तुति करता है। भागवत जी ने 11 श्लोकों में श्री भगवान की स्तुति, जो जीव के जीव के रूप से जो भगवान के लिए 11 श्लोक के लिए अद्भुत। मैं केवल एक ही श्लोक बोल करके उसकी व्याख्या करूंगा। बहुत सुंदर जीव कहता है, नाम देहि नाम अंकुर प्रमः केवल्यं जनार्दनो वा केशं पीड़ा कुरु कुरु नात्यं नात्यं च पाहि माम। वो पुकारता है भगवान को, भगवान मुझे इस दर्द से निकालो, मुझको इधर से बाहर निकालो, मैं आपकी मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बार बार आपने मुझे अवसर दिया, बार बार पर बार बार मैं छूट जाता हूँ, बार बार भजन नहीं करता और संसार के चक्कर में पड़ के इधर उधर की बातें करके फिर से वापस से मैं इस नर्क में आ जाता हूँ। उसके बाद वो भगवान की स्तुति करता है, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जो कछु सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। हे प्रभु जैसा भी हूँ ये नह के नह प्रकारे नह यावत अहमेव सह पर प्रभु वान्यः त्वमेवा स्तुति मही। हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ पर आपका हूँ, आप मुझे इस कष्ट से निवारो प्रभु। हे प्रभु मैं आज इतना तड़प रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, प्रभु आप मेरी सहायता करो, मुझे इसमें निकालो। फिर उसके बाद जब नवम महीना आता है, नवम मास आता है, जब बच्चा निकलता है फिर माया के प्रभाव में आ जाता है, फिर वो भूल जाता है भजन करना, फिर बाकी संसार में फंस जाता है। अच्छा एक बहुत विचित्र बात है, गर्भ के अंदर जब व्यक्ति इस 11 श्लोकों में अंतिम श्लोक जो जीव करता है बहुत सुंदर है। वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसके पीछे की लाइन याद है, बहुत सुंदर उन्होंने कहा है, ना उर्णम संतप महापुरुषौ प्रधानः कर्वम्यतः। अरे मैं संत और महापुरुषों के ऋणों से पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि संत महापुरुषों ने इतनी सारे ग्रंथ हमारे लिए उपलब्ध करा दिए, इतनी शिक्षा दे दी है। उसके बाद भी अच्छा एक बार मैंने संत के मुख से सुनी है, उनको भी कह रहे थे, भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करी तो धिक्कार है इस जीवन को, इस जीवन को धिक्कार है। आप बताओ किस 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 संत से अंग पूर्ण हो
जी के चरित्र से हम लोग पूर्ण हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने कितनी कृपा करी, रामचरित मानस में सर ग्रंथ ने दिया, तो जो कि उद्धार का पूर्ण निश्चित है। नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कवि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी, कवि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। रूप सनातन पाद के एहसानों से हम लोग निरुक्त हो सकते हैं। रूप सनातन तो जो भक्ति को उपदेश दियो, महाप्रभु की कृपा को फल हरियाल सुदे दियो। इसीलिए आप लोग सभी देखो भैया, मेरे ही शब्द नहीं है ये, जो भी शब्द है भगवान कपिल जिसने भैया यशोदा जब गर्भधारण की, जितने ब्रज की गोपियाँ थी 6-6 महीना पहले 84 गज की लहंगा बना कर रहे थे। नंद के लाला होगा तो हम सबके सब ये लहंगा पहनकर भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव यहाँ मनाएंगे। और भगवान कल कृष्ण भी जन्म लेंगे, नरसिंह भगवान भी जन्म लेंगे, कल श्री वामन भगवान भी, सारे भगवान कल जन्म लेने वाले। इसलिए कल हम लोग कौन सा रंग की साड़ी पहनकर जाओ, आज कौन सा रंग है, कल भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गर्मी है नहीं, जैसे वहाँ पर गर्मी आता था यहाँ पर गर्मी नहीं। इसलिए हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कथा की लाभ उठाने के लिए, अगर हो सके तो कल एकदम 5 बजे हमारा जाओगे, यहाँ पर तो गर्मी है नहीं, फिर यहाँ पर भैया कूलर भी लगा दिए, बड़े सुंदर कूलर फैन चल रहे हैं। इसलिए कल अगर ज्यादा जल्दी से जल्दी कम 5 बजे आ जाना, फिर हम कोशिश करके 8 बजे कथा को विश्राम देने के लिए, फिर अगर लेट में आओगे तो फिर लेट में फिर कथा लेट में फिर विश्राम होगी। जितना जल्दी आओगे उतना ज़्यादा कथा सुनोगे और उतना जल्दी हम कथा को भी विश्राम दे देंगे। इसलिए कल चकलेट खिलौना कुछ ना कुछ ले करके आना, और कल इसको हम अगर आज कोई लाए हुए हो इसको भी जो कल भी लाओगे उसको भी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कल भी हम नंद उत्सव में उत्सव मनाएंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी आज भी सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, जिनकी इच्छा हो हम बैठ करके प्रसाद पाना चाहते हैं आप बैठ करके भी प्रसाद पा सकते हो, जिनकी इच्छा हो आप प्रसाद ले जाएंगे आप लोग लेकर भी जा सकते हो, दोनों व्यवस्था है, बैठ करके और लेने का भी दोनों व्यवस्था है, आप हमारी जो इच्छा आप वैसे कर सकते हो। अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे और सबके सब आज तो कोई नाचे नहीं, सब सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, देखो भगवान कीर्तन बैठ बैठो। अब ये मत समझो नहीं गाँव को कोई व्यक्ति चलेगी नाचे नहीं, भगवान कीर्तन है, मैंने उनको लिए नाम भेजना करवाया ना, तो जहाँ भी रहेंगे भी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप लोग खुश हो ना वो भी खुश रहेंगे, ऊपर में भी खुश रहेंगे। इसलिए भगवान कीर्तन में नाचो गाओ भक्त सभी बने चाहिए। Thank you.